अस्सलाम वालेकुम राजनी, मेरा नाम डॉक्टर रमजान चौधरी है। मैं 1973 में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। उसके बाद मैंने 1982 में कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन से FCPS जनरल सर्जरी में किया, और फिर मैंने आर्मी में 2 साल जनरल सर्जरी की और 1 साल यूरोलॉजी की ट्रेनिंग के बाद मैं UK चला गया। उन्होंने वहाँ पर रॉयल लंदन हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग यूरोलॉजी मैंने 1 साल की। उसके बाद मैंने तकरीबन 30 साल तक पाकिस्तान आर्मी में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के तौर पे काम किया है, और पिछले 10 सालों से मैं लाहौर में शालीमार हॉस्पिटल और रमजान हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के तौर पे अपनी खिदमत का अंजाम दे रहा हूँ। मेरा जो स्पेशल इंटरेस्ट है वो स्टोन सर्जरी, रीनल ट्रांसप्लांट और यूरोगायरी है, और साथ में मेल इन्फर्टिलिटी जो फैक्टर है उसमें भी मेरी अपनी खास एक इंटरेस्ट है। हमारे मुल्क में ये जो मर्दाना बाजबन या औलाद बेऔलादी का जो मसला है वो काफ़ी हद तक एक गंभीर सूरत हाल का हामिल है। उसकी दो वजह ज़्यादा जो वजह है वो काम करनी है और वक्त पे अपने जो इब्तदाई तौर पे है बीमारी के शुरू में उसका इलाज जो है वो ना करवाना है। फिर हमारे मुल्क में 50% जो खवातीन हैं वो अपनी बीमारी बताती नहीं है, उनका वक्त पे डायग्नोज ही नहीं हो सकता, और बेवादी में मेल फैक्टर जो है वो ऑलमोस्ट 30-40% जो रीज़न फॉर इन्फर्टिलिटी जो है बालपन की वो मेल फैक्टर होता है। अब आर्मी में जो वजह है इसकी इन्फर्टिलिटी की उसमें ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो अनट्रीटेड इन्फेक्शन है, कि हमारे मुल्क में लोग इस चीज़ को एक खुफिया या एक शर्मनाक बात समझते हैं और वो अपनी बीमारी वक़्त पे सामने लाते नहीं। उसकी वजह से वो बीमारी ऐसा बढ़ती वो जो उनके जस्म पैदा करने की जो सलाहियत है उसको इफेक्ट कर देती है। इसके अलावा बहुत सारी अद्वियात हैं जो खासकर वो भी जो मेल फैक्टर इन्फर्टिलिटी है उसको कम करती हैं, खासकर ये जो कुवतमंद दवाइयाँ ये जो लोग बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्ट करती हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो है ये जो कैंसर की दवाइयाँ, उसके अलावा जो है स्मोकिंग और बहुत ज़्यादा चाय और वज़न का कम होना ज़्यादा होना और शुगर जो है डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें मिलकर जो स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी है उसको इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से मतलूब मकदार में वो जरासीम जो है स्पर्म्स या तो बढ़ते नहीं है या बढ़ते हैं तो उनकी जो क्वालिटी और क्वान्टिटी इतनी कम होती है जिससे कि मतलूब नतएं हासिल नहीं हो सकते। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ तरीक़ों से आप जो है उनकी हेल्प कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले यह है कि ये आदमी को फौरी तौर पर किसी माहिर के पास जाके अपना पैदा कराना चाहिए। शादी के 1 साल तक अगर उसकी कंसेप्शन या हमल नहीं ठहरता तो मियां बीवी दोनों को जाके मेल जो यूरोलॉजिस्ट है खावन को उसे और जो खातून है उसको गायनेकोलॉजिस्ट को चेक कराना चाहिए, और उसके बाद वो फिर मुख्तलिफ़ में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनके टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद वो देखेंगे कि वजह क्या है, और जब वजह मिल जाएगी तो आजकल के दौर में जो टेक्नोलॉजी है ऑलमोस्ट 90% लोग जो है वो औलाद की नस्बत से उनको जो है वो अमकनात हो सकते हैं अगर वो प्रॉपर और सही अपना इलाज कराएं। दूसरा जो आम टेक्ट हमारे मुल्क में है वो है गुर्दे की और मसाने की पथरी। अब हमारा मुल्क जो है वो गर्म ममालिक में शामिल होता है जहाँ पर गर्मी सख्त पड़ती है, पसीना ज़्यादा आता है, उसकी वजह से पानी में जो है जिसम में पानी की मकदार कम होती है, पेशाब जो है वो बढ़ आता है, उसकी वजह से जो नमकियात है वो गुर्दे के अंदर और मसाने के अंदर या मसाने की नाली के अंदर उनके बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। और फिर उन इलाकों में खासकर जो हमारे सिंध और पंजाब के जनूबी जो अजला हैं और कोयटा और कई बलोचिस्तान के इलाके जहाँ पे पीने का साफ पानी मुझे नहीं है और पानी की शदीद किल्लत है, उन इलाकों में लोग जो हैं वो पानी चूँकि कम मकदार में इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से उन इलाकों में स्टोन जो बनना जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है बनस्बत दूसरे इलाकों के। फिर स्टोन बनने में कुछ जो खाने पीने की जो जो चीज़ें हैं स्पेशली जो हम लोग राइस हीटर्स हैं जो ज़्यादातर लोग चावल खाने वाले हैं उनमें ऑक्सीजन की मकदार जो है वो यूरिन में ज़्यादा आती है, उनमें भी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा है। फिर हमारे कुछ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मीट ओवर ईटिंग जो गोश्त ज़्यादा इस मकदार में इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी जो है वो ब्लड में या खून में तो क्या स्टोन बनाने वाले अज्जा जो है उनकी मकदार ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से भी स्टोन जो है वो बनना शुरू नहीं होते हैं। अब जब एक दफ़ा स्टोन बन जाए तो उसका
तरीका जो है निकालने का वो इलाज, एक तो इलाज है कि आदमी पानी ज्यादा पिए, क्योंकि 80% जो स्टोन है अगर वो 5 मिलीमीटर से नीचे है तो 80% चांसेस है कि वो खुद ही निकल जाएगी और उसका जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे होंगे उसको करेक्ट चला जाएगा। बाकी 20% जो स्टोन है उनके लिए पहले तो सर्जरी होती थी, आजकल नए नए तरीके आ गए हैं, मशीन जो है शवाओं से उनको तोड़ा जा सकता है, लेजर से उनको तोड़ा जा सकता है, या फिर पेशाब वाली नाली के अंदर से जाके उनको मतलब जो तरीके हैं लेजर है या दूसरी जो शॉक वेव है उनके जरिए तोड़ा जा सकता है। और आजकल जो 90% जो स्टोन सर्जरी है वो ये नॉन ऑपरेटिव है, इसमें कि जो है मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए से स्टोन निकाला जाता है, सिर्फ 5-10% जो केसेस हैं आजकल ऊपर सर्जरी से हो रहे हैं। तो स्टोन में भी है कि एक तो इंसान को जो है पानी ज़्यादा लेना चाहिए, दूसरा ये है कि स्टोन अगर बन गया है तो उसको फॉलो करें, अगर वो नहीं निकलना तो किसी भी तरीके से उसको निकलवाए, अदरवाइज आपका जो गुर्दा है वो ज़ाया हो जाएगा, और एक दफ़ा गुर्दा ज़ाया हो जाए तो वो दोबारा जो है आप उसको कैसे उसको उसकी कमी पूरी करेंगे। अगर खुदा न खुदा दोनों तरफ स्टोन है और आपने इलाज नहीं कराया तो फिर एक ही जो इलाज रह जाता है वो या डायलिसिस है या फिर लिवर ट्रांसप्लांट है। इस सिलसिले में अपनी खुराक, पानी का इस्तेमाल और जो है अंडर एक्सपोजर टू द हीट, ये इससे अवॉइड करें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। गुर्दे की तब्दीली आजकल दुनिया जहाँ पे हर जगह हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, और इस सिलसिले में सबसे जो अनफॉर्चुनेट जो चीज़ है वो ये है कि गुर्दे की खरीद और फरोख्त वो नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई फैमिली वाले डोनेट करते हैं तो सबसे बेहतर रिजल्ट जो है वो फैमिली के हैं, उसके बाद जो है वो ये जो नॉन रिलेटेड केसेज हैं उनके हैं। और आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और दवाइयों के साथ 5 ईयर सर्वाइवल जो रेगुलर ट्रांसप्लांट की अगर गुड मैच है तो 5-7 ईयर्स है। तो इस सिलसिले में भी जो गवर्नमेंट को या लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि अर्ली स्टेज पे वो अगर फैमिली वाले आ गया है, अगर उसका गुर्दा की तब्दीली की ज़रूरत है तो फैमिली वाले आ गया है और वो डोनेट करें, एक तो सबका जारिया है, दूसरा ये कि फैमिली मेम्बर्स के सक्सेस रेट जो है वो दूसरों के नस्बत बेहतर होते हैं। नाज़रीन, आप अगर मेरे से मेरी राय से या मेरी खिदमात आप हासिल करना चाहते हैं तो आप मरहम की ऑनलाइन जो वेबसाइट है या उनकी जो साइट है उससे ऑनलाइन बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं। मैं मीलती में सुबह 10 से 2 बजे तक बैठता हूँ और इस टाइम पे आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके अगर मेरा मशवरा लाए बनना चाहें तो आप यू आर वेलकम।